Today we are going to discuss about ledger posting. Under accounting cycle, we have already seen that जब कोई भी transaction होता है तो हमारे पास दो option हो जाते हैं। सबसे पहला option है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहला option है journal entry या तो फिर we can make subsidiary book. Subsidiary book में क्या आता है? Cash book, purchase book, purchase return, sales return, sales book and sales return book. Then we have journal proper. And sometimes people used to prefer bills receivable and bills payable book. बराबर है? लेकिन एक बात समझ लो, चाहे आप journal वाले रास्ते पे जाओ या सारी subsidiary books prepare करो, the next step is to make ledger posting. ठीक है? तो आज हम लोग ये ledger posting के बारे में हम लोग थोड़ा सा discuss करेंगे and I'll teach you ledger posting. After ledger posting, the next stage is trial balance. आज ये भी खत्म हो जाएगा साथ ही साथ। लेकिन देखो, ledger posting दो जगह से जा सकते हैं। जर्नल बनाई है तो उसपे से भी ledger posting पे जा सकते हैं, सब्सिडियरी बुक्स प्रिपेयर किए हैं तो उसपे से भी ledger posting पे जा सकते हैं। लेकिन आज हमारा बेसिक टारगेट है, हम लोग जर्नल एंट्री पे से कैसे ledger posting करेंगे, बराबर है? एंड ledger posting के बाद कैसे ट्रायल बैलेंस बनेगा, टोटलिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, वो सब कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे टू एक्सप्लेन यू ledger posting, मैं यहाँ पे तीन नॉर्मल सिंपल वाले ट्रांजेक्शन ले रहा हूं जिससे आपको पूरी कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी अबाउट ledger posting. से फॉर एग्जाम्पल, ओनर स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ ₹50,000. आई एम टेलिंग यू वन ट्रांजेक्शन, ओनर स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ ₹50,000. कैन आई राइट डाउन जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड ₹50,000 टू कैपिटल अकाउंट, इट इज ₹50,000. लेट्स हैव वन मोर ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज बाय कैश एट 10% कैश डिस्काउंट. फिर से एक बार, गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज बाय कैश एट 10% कैश डिस्काउंट. तो कहने से 30,000 के गुड्स से 10% कैश डिस्काउंट, यानी ₹3,000 डिस्काउंट हो जाएगा. 27,000 हमने कैश में पे किए होंगे, क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यहाँ पे 30,000 है, उसके बाद कैश में 27,000 एंड टू क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इट इज 3,000. यू नो वेरी वेल कि सर ऐसे तो ट्रांजेक्शन बहुत सारे हम लोगों ने जर्नल एंट्री पढ़ी हुई है, कोई भी ट्रांजेक्शन दे वी कैन इजीली मेक व्हाट जर्नल एंट्री. थर्ड ट्रांजेक्शन मैं आपको बताता हूँ, पेड ₹3,000 फॉर सैलरी एंड ₹2,000 फॉर वेजेस. ₹3,000 सैलरी के लिए पे किए और ₹2,000 वेजेस के लिए पे किए, कुछ नहीं बोला तो कैश में ही पे किया होगा. ठीक है, प्लीज एक थर्ड जर्नल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिटेड 3,000, वेजेस अकाउंट डेबिटेड 2,000 एंड टू कैश अकाउंट इज 5,000. इज इट डन? बस मुझे तीन ही जर्नल एंट्री लेनी है टू एक्सप्लेन ledger posting, ट्रायल बैलेंस, एवरीथिंग. लेट मी टेल यू, दिस थ्री जर्नल एंट्री इंक्लूड्स we can say 99% items of entire chapter. Only these three journal. पता है आप लोगों को मैंने कितना सोच समझ के ये तीन journal entry लिए? मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें special बात. देखो, single debit single credit वाली एक journal entry ले ली, single debit multiple credit वाली एक journal entry ले ली, multiple debit single credit वाली एक journal entry ले ली. इसका मतलब ये हुआ almost सारी types यहाँ पे include हो गई. अब ledger posting के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपके पास जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उसको एनालाइज करके आपको डिसाइड करना है कि मुझे अलग अलग कितने लेजर्स बनाने पड़ेंगे. लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट. देखो, कैश का लेजर बनाना पड़ेगा, कैपिटल का बनाना पड़ेगा, परचेस का बनाना पड़ेगा. लेट मी टेल यू, सारे प्रिपेयर करने हैं, सारे प्रिपेयर करने हैं, लेकिन कोई भी लेजर एक ही बार प्रिपेयर करना है. से फॉर एग्जाम्पल, कैश एक बार प्रिपेयर हो गया तो दूसरी बार आता है तो मैं दूसरी बार प्रिपेयर नहीं करूंगा, इट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. ओके, फिर डिस्काउंट बनाना पड़ेगा, सैलरी बनाना पड़ेगा, वेजेस बनाना पड़ेगा, कैश तो आ गया, इज इट फाइन? ठीक है, टोटल कितने लेजर अकाउंट हुए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लेजर. सबका ध्यान यहाँ पे, लेजर का मैं एक पहले तो नॉर्मल फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कैसा फॉर्मेट होता है. से फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक पेज है, यहां से लेके यहां तक का आपका एक पेज है.
वो पेज को आपको एग्जैक्टली मिडल में से दो पार्ट करने हैं। वैसे भी आप लोग कैश बुक पढ़ चुके हो तो आपको पता चलेगा थोड़ा अच्छे से, कोई भी लेजर हो उसका हेडिंग आपको यहां पे देना है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को आप बोलोगे डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को आप बोलोगे। उसके बाद सबसे पहला कॉलम इसमें होगा वो होगा डेट, यानी थोड़ा सा बड़ा कॉलम, उसको हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर्स। देन वी विल बी हैविंग जर्नल फोलियो एंड देन अमाउंट। सेम थिंग्स विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, वी विल हैव डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। देखो ऐसे कॉलम और उसके बाद एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। मान लो यहां पे हमें 6 लेजर अकाउंट बनाने हैं, आप लोग इमेजिन कर सकते हो सिर्फ 3 जर्नल एंट्री में 6 लेजर अकाउंट। मान लो अगर मैंने आपको एक रीजनेबल एग्जाम्पल दिया 10-12 ट्रांजेक्शन वाला, तो 10-12 जर्नल एंट्री आप लिखोगे, उसके बाद मिनिमम 15 लेजर अकाउंट बनेंगे। फॉर ऑल 15 लेजर अकाउंट्स यू हैव टू प्रिपेयर कॉलम्स लाइक दिस। पूरे पेज का नहीं बनाना है, लेट मी टेल यू, आपको ऑन एन एवरेज अगर आपकी बुक की साइज नॉर्मल बुक साइज है तो ऑन एन एवरेज एक पेज में कितने लेजर बनेंगे, 3 लेजर बनेंगे। तो मान लो 15 लेजर बनाने हैं तो 5 पेजेस तक ऐसे कॉलम्स बनाते रहना पड़ेगा। हर एक लेजर का यहाँ पे हेडिंग देना है, हर एक लेजर में डेबिट क्रेडिट लिखना है, हर एक लेजर में ये सारी चीजें लिखनी है, उसके बाद ही हम लोग सम स्टार्ट कर पाएंगे। इज इट फाइन विद एवरीवन? यू कैन इवन चेक द वे ऑफ प्रेजेंटेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन इन टेक्स्ट बुक लेटर ऑन। जब भी आपके पास टाइम है यू कैन चेक कैसा वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। बट यस, मैक्सिमम थिंग्स आई हैव टोल्ड यू किस तरह से वो लोग प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इस सम का लेजर पोस्टिंग करने के लिए मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेजर अकाउंट्स मेरे पास रेडी होने चाहिए। हियर आई एम नॉट गोइंग टू मेक ऑल दिस कॉलम्स, मैं तो थोड़ा शॉर्टकट में जाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट हियर टू शो यू प्रेजेंटेशन, आई एम हियर टू शो यू कॉन्सेप्ट, बराबर है। तो देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं प्रेजेंट करूंगा, बट आपको अपने नोटबुक में इस तरह से परफेक्ट प्रेजेंटेशन देना है। Okay, as I am supposed to prepare 6 ledger accounts, I'll make 2 parts of this space. I'll start with cash account. Let me tell you, as per my experience, cash account थोड़ा सा बड़ा बनाओ, क्योंकि cash पे maximum transaction होते हैं तो बहुत ज्यादा transaction होंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, बाकी सारे छोटे छोटे बनाएंगे तो चलेगा। जैसे कि capital account, I'll make capital account. उसके बाद क्या आता है, purchase account, I'll make purchase account. सी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपली डेबिट साइड क्रेडिट साइड, बाकी सारे इंटरवल कॉलम्स मैं नहीं बना रहा हूँ, आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, व्हाइल प्रिपेयरिंग इट इन नोटबुक। उसके बाद क्या चाहिए हमें, डिस्काउंट अकाउंट, देन वी हैव सैलरी अकाउंट, एंड लास्ट वन इज वेजेस अकाउंट। इज इट डन? ठीक है, अब सबका ध्यान यहाँ पे मेन पार्ट इज गेटिंग स्टार्टेड, दैट इज लेजर पोस्टिंग। यहाँ पे ध्यान, कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। पहली जर्नल एंट्री आप लोग रीड करो क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मैं आपको बताऊं, व्हाइल डूइंग लेजर पोस्टिंग देयर इज अ स्पेशल स्टाइल ऑफ रीडिंग दिस जर्नल एंट्री। हम लोग सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रीड करेंगे, क्या लिखा है वहां पे, कैश अकाउंट डेबिटेड, उसको हम कैसे रीड करेंगे। यहाँ पे ध्यान सबका, कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे 50,000 रुपीज। आपने सुना मैंने किस तरह से रीड किया, कोई भी जर्नल एंट्री हो कैसे रीड करना है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे 50,000 रुपीज। देखो ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड, डेबिट साइड आप सब जानते हो ना, डेबिट साइड पे 50,000 रुपीज। और आपको ऑपोजिट साइड की पर्टिकुलर लिखनी है, ऑपोजिट साइड पे पर्टिकुलर क्या है, कैपिटल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। फिर से एक बार कैसे रीड करते हैं हम लोग, सिर्फ डेबिट साइड, आधी आधा पार्टी रीड करना है अभी, कैसे रीड करते हैं, कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे 50,000 रुपीज, ऑपोजिट साइड की पर्टिकुलर टू कैपिटल लिख दिया। तो लेट मी टेल यू, ये तो लेजर पोस्टिंग हुआ इसका, अब इसके बारे में सोचो, चलो क्या लिखा है वहां पे, टू कैपिटल अकाउंट, कैन आई रीड लाइक दिस, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इसको कैसे बोलेंगे हम लोग लेजर पोस्टिंग की लैंग्वेज में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 50,000 रुपीज,
ऑपोजिट साइड की पर्टिकुलर, ऑपोजिट साइड पे कौन लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है, आई विल राइट डाउन बाय कैश. यू माइट बी नोइंग बिकॉज ऑफ कैश बुक की क्रेडिट में हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं और डेबिट में हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है चलो अब देखते हैं. वो मल्टीपल वाला आया यहाँ पे, रीड करो. चलो ये क्या लिखा है, डेबिट है तो हम कैसे रीड करेंगे? परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना लिखना है? 30,000. मैं एक गलती कर रहा हूँ, सबका ध्यान यहाँ पे. मैं एक गलती कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया 30,000. फिर आप क्या बोलोगे? ऑपोजिट साइड की पर्टिकुलर, ऑपोजिट साइड की पर्टिकुलर. फर्स्ट गए ऑपोजिट साइड पे, आप देख सकते हो दो दो लोग हैं. मैं किसका नाम लिखूं यहां पे? कम बैक टू ओरिजिनल एंट्री वंस अगेन. क्या लिखा है यहां पे? परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना लिखना है? 30,000. वैसे तो लिखना है लेकिन देखो स्टाइल ऑफ राइटिंग, आई विल राइट डाउन लाइक दिस 27,000 and 3,000. आप लोग हो मेरे साथ? फिर से एक बार, क्या किया मैंने? परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे मुझे तो 30 ही लिखने हैं, लेकिन मैंने बाइफर्केटेड वे में लिखा. उससे फायदा क्या होगा? जब मैं ऑपोजिट साइड पे पूछने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 cash and 2 discount. सेट हो गया. ओके, प्रिंसिपली मुझे क्या लिखना था? तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे 30,000 लिखना था. मैंने लिखा है, आप देख लो, जस्ट बाइफर्केटेड वे में लिखा है लेकिन मैंने लिखा है. Is it fine? ठीक है, ये तो क्या खत्म हुआ? परचेस खत्म हुआ. उसके बाद क्या आएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट. तो क्या बोलेंगे इसको? कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे व्हाट्स द अमाउंट? ओके, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 27,000 लिखेंगे क्या? बाय परचेस अकाउंट. उसके बाद क्या है? डिस्काउंट अकाउंट. डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कितना लिखेंगे? 3,000. और यहाँ पे क्या लिखूं? वेरी गुड. बाय परचेस. नेक्स्ट चेक करें. चलो यहाँ पे ध्यान, सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना लिखेंगे? 3,000. चलो ये रहा सैलरी अकाउंट, उसमें डेबिट साइड पे 3,000. ऑपोजिट साइड की पर्टिकुलर, जल्दी. वेरी गुड. वेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पे 2,000 rupees. और उसमें भी क्या लिखेंगे? 2 cash. डेबिट साइड है, 2 रहेगा, 2 cash. और लास्ट वन इज कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे. चलो सजेस्ट करो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3,000. यस, माय इंटेंशन वाज वेरी वेरी क्लियर. मुझे 5,000 ही लिखना था लेकिन मैंने पहले से सोच के 3,000 2,000 ऐसा अलग करके लिख दिया. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? अकाउंट. पता चल रहा है सबको? पता चल रहा है? ओके, एक बार जितने भी ट्रांजेक्शन हो, मैंने तो 3 फॉर एग्जाम्पल लिए थे, अगर 10-15 जितने भी ट्रांजेक्शन हो सबका पोस्टिंग खत्म हो जाए उसके बाद टोटलिंग एंड बैलेंसिंग का काम शुरू होता है. कैसे करेंगे? आप लोगों को टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑलरेडी आता है. लेट मी टेल यू, आपने कैश बुक कर लिया, कैश बुक कर लिया तो हमने कैश बुक के अंदर पता है वो कैश कॉलम को टोटल किया, फिर बैलेंस किया, फिर बैंक को टोटल किया. क्या बोलते थे उस टाइम पे कि जिस साइड पे टोटल ज्यादा आता है वो पहले करना है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? चलो मुझे बताओ कैश में कौन सी साइड टोटल ज्यादा आ रहा है? डेबिट साइड. आई विल पुट दिस टोटल ऑन बोथ द साइड्स, 50,000. आई विल पुट 50,000 ओवर हियर. आपको क्या करना है पता है? कैलसी में 50,000 माइनस ये सब करना है, 18,000. मेक अ सर्कल जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड. क्या बोलेंगे? कैश बुक में यहां आता था तो फिर यहां पे टोटल के नीचे टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. देखो दीज आर स्पेशल वर्ड्स. हो कैरीड फॉरवर्ड का मतलब आगे ले जाना और ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब आगे लेके आए. समझ में आ रहा है? ठीक है, सब लेजर का इसी तरह से टोटल करना है. चलो शुरू हो जाते हैं. कैपिटल में क्रेडिट ज्यादा है, 50,000. आई पुट द सेम 50,000 ओवर हियर, 50,000. बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि कुछ था नहीं डिडक्ट करने के लिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. और यहाँ पे बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 50,000. I hope you understand while making total, I will keep some gap over here. पता है ना आपको, क्योंकि वो बैलेंस होके आने वाला है 30,000. I'll put 30,000 over here. 30,000.
क्या लेकिन यहाँ पे बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड एंड टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 30,000. Tell me this one. 3,000. We'll put 3,000 over here. 3,000. To closing balance. Carry forward. By opening balance. Brought forward. 3,000. I'll put this salary over here. To opening balance. This is going to be 2,000. Is it done? Let me tell you, once ledger posting is done, we are not in need of this journal entry. Matlab ek baar ledger posting ab ho gaya. Iske baad next step kya hota hai pata hai? Next step is to make trial balance. Please concentrate. Trial balance ke columns kaise honge? सेम एज जर्नल एंट्री एक्सेप्ट अ वेरी स्मॉल डिफरेंस. सबका ध्यान यहाँ पे डेबिट क्रेडिट फिर क्या बता देते LF. बस डेट का कॉलम हम लोग नहीं बनाएंगे इसमें. तो यहाँ पे फॉर बेटर प्रेजेंटेशन आई विल राइट डाउन नेम ऑफ अकाउंट इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेम ऑफ अकाउंट. उसके बाद क्या होगा? लेजर पॉलियो दैट इज LF. उसके बाद डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. Friends, you prepared 6 ledger accounts. आपने 6 बनाया हुआ 16 बनाया हुआ. सबके नाम यहाँ पे लिख दो एक बार. देखो सबसे पहले क्या था? कैश अकाउंट. ओके यहाँ पे ध्यान. कैश अकाउंट में टोटल के बाद जो 18,000 आपको दिख रहे हैं वो डेबिट साइड पे है क्रेडिट साइड पे? टोटल के बाद डेबिट साइड पे है. तो मैं डेबिट में यहाँ पे 18,000 लिखूंगा और क्रेडिट में डैश. चलो नेक्स्ट कौन सा अकाउंट दिख रहा है? कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे. कितने हैं? 50,000. उसके बाद क्या दिख रहा है? परचेज में डेबिट साइड पे 30,000. चलो डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 3,000 रुपीज. सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड पे 3,000. और वेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पे 2,000. नाउ सी दिस, मेक दिस टोटल, इट विल गेट टैलीड. एंड इफ इट गेट्स टैलीड समझ लो आपने कोई क्लेरिकल एरर नहीं किया है. टोटलिंग में या बैलेंसिंग में या कैरिंग इट फॉरवर्ड में कहीं पे कोई एरर आपने नहीं किया है. ऐसे 10-12 ट्रांजेक्शन वाला एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जहां पे विल राइट डाउन एंटायर जर्नल एंट्री. And after that we will decide how many ledger accounts are to be prepared. क्या ध्यान रखना है? कोई ledger account duplicate नहीं होना चाहिए. एक ही बार prepare करना है. We will make all the columns and then we will do ledger posting, totaling, balancing and last में trial balance and it should get tally. Is it fine with everyone? Okay, write it down.